अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैरियत से हैं? ये जी, वालेकुम अस्सलाम। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और जी, हमने कल सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स हमने डिस्कस किए थे। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस कैसे होती है वो हमने डिस्कस किया था, और साथ में फिर हमने उसकी रेगुलेशन और इसकी जो रेगुलेशन है थ्रू हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस वो हमने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद फिर हमने फीडबैक रेगुलेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को डिटरमिन किया था कि कौन से स्टेज पे जो एंड हार्मोन है जो टारगेट से रिलीज होता है, किस स्टेज पे ऑफ दी रिप्रोडक्टिव साइकिल पे वो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट करेगा, किस स्टेज पे वो पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट देगा। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हमने एक्शंस डिस्कस करने हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं उन दोनों हार्मोन्स के जो कि ओवरी से रिलीज होते हैं या ओवरी के अंदर से सिंथेसाइज होते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो उस जी एक्सक्यूज मी जी सर, सर आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही अब? सर आ रही है सर, अच्छा, आपके वहां बेटे कनेक्ट खराब। मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ आज, सर आ रही है, आज तो ठीक आ रही है आपकी। बस वो फ्लो फ्लो में सारी आवाज जो है बस यस चल सर, रही, आपकी बहुत तेज आवाज आ रही है। बस आज भी तेज बोल रहा था, मुझे था कि शायद सबको सुनाई देगा, लेकिन चलो। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटे, आपको जिस उनको आवाज नहीं आ रही, आप एक दफा वो कर लें, मतलब लेफ्ट कर लें, दोबारा ज्वाइन कर लें, शायद ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, तो एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है आप देखें फंक्शन, तो इसमें लिखा हुआ है दैट इट काजेज द मेच्योरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब, सर्विक्स में जाए वेन में जाना। इसका मतलब यह है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो मेच्योरेशन है और उसकी मेंटेनेंस है, दैट इज एक्चुअली डन बाय द एस्ट्रोजन। सेकेंडली, इट इज रिस्पॉन्सिबल एट प्यूबर्टी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा के लिए मेमोरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल्स। मतलब जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसमें फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे, तो उसके उसमें वो भी एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है ये बेसिकली अप रेगुलेशन करता है अपने रिसेप्टर्स की भी और प्रोजेस्टेरोन और एलएच के लिए भी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का और एलएच का इफेक्ट जो है वो प्रोनाउंस हो जाता है, मतलब वो अपना इफेक्ट जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैंने जिस तरह कल, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। ड्यूरिंग यूटेरल फेज आपने देखा होगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन साथ साथ इस्ट्रोजन भी होता है। और इस्ट्रोजन इसलिए रिक्वायर्ड है कि वो टारगेट जहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन करता है, उनका नंबर इंक्रीज करा देता है, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट जो है वो इफेक्टिवली उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो आ सकता है। अदरवाइज अगर एस्ट्रोजन नहीं होता तो फिर प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट भी प्रोनाउंस नहीं होता। सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ एलएच जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दीज हॉर्मोन्स, तो उसके रिसेप्टर्स की भी अपरेगुलेशन करता है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन का रोल है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर भी। डेफिनेटली मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, बेसिकली प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है, और प्रोजेस्टेरोन बेसिकली डिपेंड करता है अपॉन ईस्ट्रोजन। दैट्स व्हाई ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रेगनेंसी अलोंग विद प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज द इट लोअर लोअरिंग ऑफ यूट्राइन थ्रेशोल्ड टू कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलाई। मतलब ये कि जब कभी भी ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है सो उसका इफेक्ट यूट्रस के ऊपर क्या होता है, वो बेसिकली यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन का इफेक्ट यूट्रस के ऊपर ये है कि इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस।
और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस किस तरह से बढ़ता है कि ये बेसिकली जो थ्रेशोल्ड है फॉर कॉन्ट्रेक्शन उसको बेसिकली कम कर देता है. सो लोअर स्टिमुलस पे भी हाई अमाउंट में कॉन्ट्रेक्शन हो सकेगी, या लो लेवल ऑफ इस्ट्रोजन पे भी या लो लेवल ऑफ स्टिमुलस पे भी हाई अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन हो सकेगी. सो इस्ट्रोजन का जो यूट्रस के ऊपर इफेक्ट यही है कि ये बेसिकली यूट्राइन थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्ट्रेक्शन कम कर देता है, जिसकी वजह से जब थ्रेशोल्ड लेवल आप कम कर लेते हैं तो वो जल्दी अचीव होता है, और जब वो जल्दी अचीव होता है तो कॉन्ट्रेक्शन भी जल्दी होती है और एफिशिएंटली होती है. सो ये इसका इफेक्ट है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, और ये बेसिकली जरूरी होता है स्पेसिफिकली व्हेन फॉर द मूवमेंट ऑफ इनिशियली फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंडली फॉर द आफ्टर ड्यूरिंग पार्चुरेशन इट ऑल्सो हैज इफेक्ट कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन जो है वो बढ़ती हैं और उसकी वजह से फिर पार्चुरेशन जो है वो इजी होती है. तो ये बेसिकली इसका इफेक्ट है, फंक्शन है इस्ट्रोजन का. इसके अलावा इस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को भी करवाता है, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन भी करवाता है. सो स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इस्ट्रोजन. इसके अलावा कर तो लेता है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन, बट इट आल्सो काज द ब्लॉकिंग ऑफ द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन ऑन द ब्रेस्ट. मतलब इसका ये है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, देखें जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम ब्लड के अंदर हार्मोन्स लेवल चेक करें ना, तो आपको तीन हार्मोन्स ब्लड के अंदर ज्यादा मिलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वन इज इस्ट्रोजन, सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन, एंड थर्ड वन इज प्रोलैक्टिन. ठीक है. सो प्रोलैक्टिन का बेसिकली इफेक्ट ये होता है कि इसका फंक्शन ये होता है कि ये जाके मेमोरी ग्लैंड के जो मेमोरी सेल्स हैं, जो अल्वियोलर सेल्स हैं जिनके अंदर मिल्क सिंथेसिस होती है. सो प्रोलैक्टिन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सिंथेसिस. सो मिल्क की सिंथेसिस करवाना ये बेसिकली प्रोलैक्टिन का काम होता है. ठीक है. लेकिन ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चूंकि मिल्क सिंथेसिस नहीं होती, आपने लोग नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि आफ्टर लेबर जो है मिल्क सिंथेसिस शुरू हो जाती है, या तो उसकी वजह ये है कि प्रोलैक्टिन ऑल्दो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन लेवल ब्लड का ज्यादा होता है, बट वो प्रोलैक्टिन के इफेक्ट को ब्लॉक किया होता है इस्ट्रोजन ने. इस्ट्रोजन स्टिमुलेशन तो करता है प्रोलैक्टिन की, लेकिन साथ साथ ये क्या करता है, इस्ट्रोजन रिसेप्ट जो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स हैं ब्रेस्ट पे वहां पे जाके ये उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोलैक्टिन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, और जब बाइंड नहीं करेगा तो डेफिनेटली मिल्क सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. सो इस वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मली मिल्क सिंथेसिस नहीं होती. आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी हो जाए, पार्चुरेशन होती है तो फौरन से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है. जब उसका लेवल डाउन होता है तो उसका जो ब्लॉकिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है तो अपॉन प्रोलैक्टिन. सो प्रोलैक्टिन देन स्टार्ट अटैचिंग विद रिसेप्टर्स और फिर मिल्क सिंथेसिस शुरू हो जाती है. ठीक है. सो दिस इज द एक्शन ऑफ इस्ट्रोजन ऑन प्रोलैक्टिन, वो मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे इस्ट्रोजन का, दैट इट डिक्रीजेस द एलडीएल. एलडीएल और बेसिकली लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. आपको पता है ना कि ब्लड के अंदर कुछ गुड फैट्स होते हैं कुछ बैड फैट्स होते हैं, तो एलडीएल गुड फैट्स में आता है या बैड फैट्स में आता है? बैड फैट्स में आता है। जी. सो एलडीएल बैड फैट्स में आता है. आज आपको ये भी पता चल गया कि एस्ट्रोजन जो है वो एलडीएल के लेवल को कम करता है, इस वजह से खवातीन को अक्सर हार्ट अटैक नहीं होता, मर्दों को ज्यादा होता है. नोट किया कभी आप लोगों ने? ये बेसिकली कमाल है एस्ट्रोजन का कि वो बेसिकली एलडीएल लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से जो है ना वो उनका लिपिड प्रोफाइल जो है नॉर्मल रहता है. एक तो ये इसका इफेक्ट, और आखिर में जो एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो देखें एंटी ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि वो बोन की पोरोसिस बोन वीकनिंग को प्रिवेंट करता है, बोन लॉस को प्रिवेंट करता है, बोन कैल्शियम लॉस को प्रिवेंट करता है. इस वजह से आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी आप लोग ऑब्जर्व करें जी कि ड्यूरिंग दैट टाइम के जिस टाइम पे प्यूबर्टी है अभी अचीव नहीं हुई, और प्यूबर्टी के बाद जब रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान भी इस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है. सो बोन पेन और ये चीजें जो है ना ये अक्सर नहीं होती,
बोन डिजीज नहीं होती, लेकिन जब मेनोपॉज आता है उसके बाद चूंकि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन कम रहता है, सो उसके वजह से अक्सर ये होता है कि जो अक्सर खवातीन है तो आफ्टर द एज ऑफ 50 उनको बोन पेन भी स्टार्ट हो जाती है, उनको उनकी बोन वीकनिंग डिजीज भी आना शुरू हो जाती है कुछ अक्सर खवातीन के अंदर। सो उसकी जो मेजर रीजन है वो यही है कि एस्ट्रोजन जो है मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो एंटी ऑस्टियोपोरोसिस एक्टिविटी थी जिसको वो करता था वो अब चूंकि एफिशिएंटली हो नहीं रही होती, सो बोन की वीकनिंग होती है ड्यू टू द लॉस ऑफ द मैटर फ्रॉम द बोन, तो उसकी वजह से फिर जो है वो बोन पेन्स और इस तरह के मसले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो उस तरह इस वजह से फिर एट दैट टाइम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो उन फीमेल्स को आफ्टर एट दैट एज वो फिर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसमें फिर वो एस्ट्रोजन देते हैं ताकि ब्लड एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इतना सफिशिएंट रहे कि वो बोन की जो लॉस है बोन वीकनिंग है उसको प्रिवेंट कर सके। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हो गए एस्ट्रोजन के। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन टारगेट टिश्यू, लेकिन इससे पहले आप लोग देख लें अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई इन एक्शंस के ऑफ एस्ट्रोजन में तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? यस यस सर, सर, यस अच्छा सर। अच्छा तो एक तो यहाँ पे एस्ट्रोजन के फंक्शंस में एक फंक्शन में आपको बताना भूल गया, वो ये है कि एस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली सिक्रीशन को भी इन्हांस करता है, और बेसिकली वो सिक्रीशंस जो करता है यूट्राइन सिक्रीशंस और वजाइनल सिक्रीशंस, तो उसकी सिक्रीशन की जो नेचर होती है ना ड्यूरिंग एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से जो सिक्रीशन नेचर होती है वो बेसिकली वॉटरी होती है। सो उस वॉटरी सिक्रीशन का फायदा ये होता है कि उस वॉटरी सिक्रीशन के अंदर फिर स्पर्म्स जो हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर सके मूव कर सकते हैं, ठीक है, टुवर्ड द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो नॉर्मली जो फर्टिलाइजिंग टाइम है या जो फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल टाइम होता है जिसमें बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है वो बेसिकली यही फॉलिकुलर फेज होता है, और फॉलिकुलर फेज के एंड पे नॉर्मली ओव्यूलेशन होती है। सो बिफोर ओव्यूलेशन मतलब आफ्टर मेंसेस इन एंड बिटवीन आफ्टर मेंसेस ओवुलेशन तक का जो दरमियान का टाइम है जो फॉलिकुलर फेज वाला दे टाइम, उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई रहता है। आगे आगे मैं आपको अभी ग्राफ से समझाता भी हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि उन कुछ दौरान जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो सिक्रीशंस होती हैं जो, तो वो सिक्रीशन ज्यादातर वॉटरिंग नेचर होती हैं, और उस वॉटरिंग नेचर सिक्रीशन की वजह से क्या फायदा होता है कि स्पर्म जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है और वो टुवर्ड साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन मूव कर सकता है। लेकिन अगर इसको हम ऑपोजिट करें विद द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है कि इसकी जो सिक्रीशन है वो इस ल्यूटियल फेज के दौरान भी सिक्रीशन होती हैं, लेकिन उसकी जो सिक्रीशन होती हैं वो म्यूकस इन नेचर होती हैं। तो जब म्यूकस इन नेचर सिक्रीशन होगी तो उस केस में फिर क्या होगा कि स्पर्म पेनिट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। सो इस वजह से नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन टाइम है वो फॉलिकुलर फेज है बिफोर ओव्यूलेशन, कि उस दौरान अगर स्पर्म अवेलेबल होगा और जब ओव्यूलेशन के बाद ओवा आएगा सो देन एट दैट टाइम फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अदरवाइज ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज फिर जो नेक्स्ट ल्यूटियल फेज है जिसके अंदर फिर जो सिक्रीशंस होना शुरू होती हैं उसमें वो बेसिकली ज्यादातर जो है म्यूकस इन नेचर होती है, जिसकी वजह से फिर स्पर्म जो है अगर अवेलेबल भी हो तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। सो इस वजह से नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन है वो ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज जो है वो नहीं होती। तो एक तो ये चीज, और वो ल्यूटियल फेज जो है अंडर द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ही होता है, इस वजह से प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशंस हैं प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो सिक्रीशंस होती हैं वो ज्यादातर म्यूकस इन नेचर होती है। इसके अलावा सिमिलरली प्रोजेस्टेरोन आल्सो हैज इफेक्ट ऑन द इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसके अलावा अगर आप देखें तो वही नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट इसका भी है जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि जब उसका लेवल हाई होता है सो इट हैज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। सिमिलरली प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेजर जो हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी है दैट इज प्रोजेस्टेरोन, एंड मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स अपॉन एस्ट्रोजन फॉर इट्स एक्शन। और अगला देखिए आप आखिर में कि ऑपोजिट इफेक्ट दैट इट रेजिज द यूट्राइन थ्रेशोल्ड टू कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि जो यूट्राइन थ्रेशोल्ड है फॉर कॉन्ट्रेक्शन
प्रोजेस्टेरॉन उसको बढ़ा देता है। जब वो बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो थ्रेशोल्ड जल्दी अचीव नहीं होगा, और जब वो जल्दी अचीव नहीं होगा मतलब अंडर स्मॉल स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड नहीं अचीव होगा, जब थ्रेशोल्ड नहीं अचीव होगा तो आपके पास कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगी, एक्शन पोटेंशियल वाली बात है ना। तो उस केस यहाँ पे क्या होगा ड्यूरिंग प्रोजेस्टेरॉन का जब इफेक्ट क्या है कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को कम करता है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कम होगी बिकॉज देखें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एम्ब्रियो जो है वो आपके इम्प्लांट हो जाता है विद इन द यूट्रस, सो उस टाइम पे अब यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन जो है वो अगर ज्यादा होंगी तो इम्प्लांट जो है वो सेपरेट होने का खतरा होता है। सो उस केस में क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इस तरह से मेंटेन करता है कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को कम कर देता है। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कैसे कम होती है, इट एक्चुअली इंक्रीज द स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड फॉर दी टू दी कंट्रेक्टाइल स्टिमुलाई, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कम होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी रिटेन रह जाती है और इम्प्लांट जो है वो रिटेन रह जाता है। सो ये इसके डिफरेंट एक्शन हो गए प्रोजेस्टेरॉन के। आई होप यहाँ तक आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी जी। किसी का सवाल हो यहाँ तक तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं जी। क्लियर है सबको? अच्छा यस सर चलिए बेटे, अब हम यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आती हैं उनको हम इस ग्राफ के थ्रू डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ग्राफ है जिससे आपको बहुत सी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर होती हैं। चलें तो सो दीज आर एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आप लोगों को इस चीज का पता होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नॉर्मली इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो वेरिएबल है, मतलब 21 से लेके 35 डेज का ये इसका इसके ड्यूरेशन है। सो इसका जो एवरेज बनता है दैट इज 28 डेज। सो इस वजह से नॉर्मली जहां भी बुक्स में लिखा गया होता है तो हम कहते हैं कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉर 28 डेज। सो इट इज वेरिएबल, इट कैन बी ऑफ 21 डेज और इट कैन बी ऑफ 35 डेज। तो 21 से 35 डेज के दरमियान ये होता है लेकिन इनका एवरेज 28 डेज बनता है। इस वजह से हम 28 डेज साइकिल को समझाने के लिए हम यही बोलते हैं कि 28 डेज का है साइकिल। इसमें याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेजरली दो फेजेस में होती हैं, एक को कहा जाता है फॉलिकुलर फेज और दूसरे को कहा जाता है ल्यूटल फेज। ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज होता है ना ये वेरिएबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं अगर हम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिसाल के तौर पे हम ले लें कि 28 दिन का है, ठीक है, सो 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर जो फॉलिकुलर फेज है ना ये वेरिएबल होता है। ठीक है, सो और जो ल्यूटियल फेज है ये वाला जो सेकेंड फेज है दैट इज कॉन्स्टेंट, मतलब ल्यूटियल फेज हमेशा 14 दिन का ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन का है, अगर 21 दिन का है, अगर 35 दिन का है, जितने भी दिन का है, तो उसमें जो ल्यूटियल फेज है ना ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये 14 डेज का ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल फेज है वो बेसिकली ये फॉलिकुलर फेज है, कि फॉलिकुलर फेज एक्सटेंड भी हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ल्यूटियल फेज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये चीज आपके जहन में क्लियर हो। दूसरी बात कि हम जब इसको समझने की कोशिश करते हैं फॉलिकुलर फेज के अंदर बेसिकली ये जो है उसमें ये जो लास्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका उसके जो मेंसेस फेज है वो भी इसमें काउंट होता है। सो डे जीरो जो है डे जीरो फॉलिकुलर फेज का वो बेसिकली वो होता है जो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंसेस फेज होता है जिसके अंदर, और वो मेंसेस फेज बेसिकली रहता है अप टू 4 to 5 डेज। सो 4 to 5 डेज जो है वो मेंसेस फेज होता है। सो उस दौरान अगर हम देखें सो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज अगर आप इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में आपकी आपने आपको बेसिकली चार मेजर चीजों के बारे में बताया गया है। दो स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं LH और FSH और एक इस्ट्रोजन और थर्ड प्रोजेस्टेरॉन। सो अगर इस ग्राफ में आप देखें सो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज आप अगर इस्ट्रोजन के बिहेवियर को देखें तो इस्ट्रोजन का बिहेवियर जो है वो जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज प्रोग्रेस करता जाता है वैसे वैसे इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई होता जाता है। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है जिसके ऊपर क्या हो रहा है ओव्यूलेशन हो रही है। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज क्या होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है जो मैंने आपको लास्ट टाइम कल बताया था कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो
प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं और फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, और ग्रेफियन फॉलिकल जो है उनकी रिक्रूटमेंट होती है और इसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। सो सारा का सारा जो है वो फॉलिकुलर फेज के अंदर हो रहा है, और उस दौरान क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, जैसे अब देखिए एस्ट्रोजन का जो पीक है, ये आप ऑब्जर्व करें, बड़ा क्लियर आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है। एस्ट्रोजन का जो पीक है ये मिड साइकिल से 2 दिन पहले आई है। देखें ये तकरीबन 12 डे पे तकरीबन ये इसकी पीक आ रही है। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है, और ओव्यूलेशन के लिए कौन सी चीजों का ज्यादा होना जरूरी है? फॉर ओव्यूलेशन देयर मस्ट बी इंक्रीज अमाउंट ऑफ एलएच एंड एफएसएच, एफएसएच और एलएच का सर्ज होना चाहिए। तो देखिए अगर 14 डे पे आप देखें जो येलो लाइन है इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास FSH की भी पीक आ रही है और LH की भी पीक आ रही है, और अगर ये दोनों पीक्स आती हैं तो ही आपके पास ओव्यूलेशन होती है। सो अगर आपको याद हो मैंने आपको कल बताया था, ये देखें दैट ड्यूरिंग मिड साइकिल दिस एस्ट्रोजन हैज पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से FSH और LH का लेवल जो है वो ज्यादा होगा। सो यहाँ पे भी आप लोग सिमिलरली ऑब्जर्व करें, ये जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है before that ovulation, 2 days before ovulation, that has positive feedback effect upon the hypothalamus and anterior pituitary gland, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा FSH LH आएगा और आपके पास FSH LH की peak attain होगी, so that ovulation can occur effectively. ठीक है, so this is what it actually happens during the follicular phase. कि follicular phase के अंदर अगर आप देखें तो follicular development होती है, और उस दौरान जो है estrogen का level जैसे जैसे follicular phase progress करता है so estrogen concentration increases, और estrogen concentration क्यों बढ़ती है? Because of follicular cells की development हो रही है, और follicular cell की जब development growth होती है so then ज्यादा से ज्यादा hormone synthesize होगा, और specifically estrogen की अब बात करें तो estrogen will be synthesized more, granulosa cells ज्यादा से ज्यादा estrogen जो है वो produce करेंगे, और वो estrogen का level जो है वो बढ़ता जाएगा, and so initially that estrogen has negative feedback effect, so इसकी वजह से estrogen का level जो है वो FSH और LH का level अगर आप देखें तो normal है, because estrogen has negative feedback effect during follicular phase. लेकिन जब mid cycle पे आता है, so estrogen का level बढ़ना शुरू होता है due to the dominant follicle, because dominant follicle मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि Graafian follicle अगले 48 घंटे के अंदर बड़ा रैपिडली प्रोलिफरेट करता है, और रैपिड प्रोलिफरेशन के नतीजे में जब ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा, और वो एस्ट्रोजन जब बनेगा तो उसका लेवल भी हाई होना शुरू होगा, और देन दैट हाई एस्ट्रोजन लेवल हैज पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से देखें जैसे जहां पे पीक है, ये देखें इस पीक को अगर आप करिस्पॉन्ड करें विद द ब्लू लाइन एंड विद द ग्रीन लाइन, तो यहाँ से जैसे पीक आना शुरू हुई है एस्ट्रोजन की, तो वहां से एकदम से एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, लीनियरली इंक्लाइंड जो है वो ऊपर यहाँ जाना शुरू हो गया, तो और 14 डे पे आप देखें उनका बेसिकली दोनों का पीक आ रहा है आपके पास FSH और LH का, जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे ही ओव्यूलेशन होती है सो देन क्या होता है कि ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है, और ल्यूटियल फेज देखिए अगले 14 से 28 डेज तक का है। ठीक है, सो मतलब 14 दिन का ल्यूटियल फेज है, और उसमें आप देखें अगर आप FSH और LH के लेवल को देखें तो वो सडनली जो है वो ड्रॉप करता है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, मतलब वो नॉर्मल पे आ जाता है। क्यों? बिकॉज ल्यूटियल फेज में आप देखें एस्ट्रोजन का लेवल भी कम होता है, इनिशियली ड्रॉप कर जाता है, सो जब वो ड्रॉप करता है तो पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट जो है वो भी खत्म हो जाता है एस्ट्रोजन का अपॉन दी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, सो FSH और LH का लेवल भी डाउन हो जाता है। लेकिन साथ के साथ आप देखें ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होता है कि जो रिमेनिंग सेल्स थे आफ्टर ओव्यूलेशन ऑफ द डोमिनेंट सेल डोमिनेंट फॉलिकल, वो बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो सेल्स हैं वो फिर क्या करते हैं इफेक्टिवली प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज करता रहता है ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। लेकिन साथ साथ आप देखें एस्ट्रोजन इनिशियली तो डाउनवर्ड गया है, उस डाउनवर्ड एस्ट्रोजन जाने की वजह से क्या हुआ है कि FSH और LH का लेवल भी कम हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम डेज आप देखें एस्ट्रोजन का लेवल वापस जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होने की तरफ जा रहा है। वो नॉर्मल होना क्यों जरूरी है? जिस तरह मैंने आपको बताया फंक्शंस में कि एस्ट्रोजन इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन जो है वो इस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, इसलिए इस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंक्रीज हो रहा होता है, बिकॉज जहाँ पे जो सेल्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, दे स्टार्ट अगेन स्टार्ट सिक्रेसिंग सिक्रेटिंग इस्ट्रोजन, और उसको वो दोबारा नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस्ट्रोजन जो है वो फिर साथ साथ चलता है, और FSH और LH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से FSH और LH का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, इंक्रीज नहीं होता। सो ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज आप देखें तो आपके पास क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो टुवर्ड्स द मिड ल्यूटियल फेज वो बढ़ता है, और आफ्टर दैट वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो डिक्लाइन होना शुरू कर जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल पे आता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा जो है 28 डे पे दोबारा जो है वो मेंसेस फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर एंडोमेट्रियल स्लपिंग और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। सो ताकि दोबारा जो है नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज जो है वो स्टार्ट हो। तो ये था कि किस तरह से जो है वो हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज, और यहाँ पे आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट जो है वो दोबारा नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होता है, जिसके अंदर अगेन फिर ये हार्मोनल लेवल जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, ये तो हार्मोन्स की बात हो गई। एक इसमें यहाँ पे आप देखें बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इट इज नियर टू दी बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन के करीब होता है या बेस लाइन से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ल्यूटियल फेज में एंटर होता है तो ल्यूटियल फेज के अंदर आप देखें बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना फ्रॉम दी नॉर्मल ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, जिस वजह से होता है कि ड्यूरिंग दिस फेज बेसिकली जो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेज कर जाता है फ्रॉम नॉर्मल, और ये अक्सर ये जो होते हैं गायनाकोलॉजिस्ट ये बेसिकली इस बॉडी टेम्परेचर से भी डिटेक्ट करते हैं कि जो है प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई, वो भी एक इसमें फैक्टर होता है। और दूसरा नॉर्मली जो है इसे ये डिटेक्ट करते हैं कि पता लगाते हैं कि इस टाइम पे फीमेल्स का जो है वो कौन सा फेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो चल रहा है। सो दिस इंक्रीज टेम्परेचर जो नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है दैट एक्चुअली अकर्स ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, और ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज जो हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से हाई रहता है, और वो इसलिए हाई रहता है कि जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है हाइपोथैलेमस का वो इंक्रीज हो जाता है, वो अपना वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर उस सेट पॉइंट तक जाता है, ताकि वो तो उस टाइम पे वो उसका नॉर्मल होता है, अदरवाइज नॉर्मल से वो ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हॉर्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो प्लीज आप बच्चे पूछ सकते हैं जी, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बात की समझ ना आई हो। क्लियर सबको? यस सर। चलिए सर, जी ये जी बेसल बॉडी टेम्परेचर है, ये फर्टिलाइजेशन होगी तो बढ़ेगा? बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है ना ये फर्टिलाइजेशन होगी तो बढ़ेगा नहीं, ये वैसे ही ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज बढ़ता है, ठीक है। अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है ना, सो उस केस में क्या होता है कि ये बेसल बॉडी टेम्परेचर ज्यादा देर के लिए जो है वो बेसिकली बेसल बॉडी टेम्परेचर बेसिकली ल्यूटियल फेज को डिनोट करता है इन सिंपल वर्ड्स, कि अगर बेसल बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है सो इट डिटरमिन्स कि इस टाइम पे रिप्रोडक्टिव साइकिल का ल्यूटियल फेज चल रहा है, ठीक है, फेज को मैयर करने के लिए कि यार इस टाइम पे फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो किस फेज में है, ल्यूटियल फेज के अंदर है या फॉलिकुलर फेज के अंदर है। सो वो बेसिकली अक्सर ये बॉडी टेम्परेचर से भी डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ये इतना ऑब्वियस नहीं है, ऑल दो जो एक्सपर्ट लोग हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इससे भी मैयर कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं और हम जाते हैं टुवर्ड्स दी प्रेगनेंसी, के अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर तो स्पर्म अवेलेबल हुआ आफ्टर ओव्यूलेशन, स्पर्म अगर अवेलेबल हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गई तो
तो फिर फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या होगा कि प्रेगनेंसी होगी, और वो प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मली जो है ह्यूमंस के अंदर 40 वीक्स की होती है, या इसको हम कहते हैं कि 9 मंथ्स तक की जो है वो प्रेगनेंसी होती है। और इस प्रेगनेंसी के अंदर जो है कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो स्टेडीली इंक्रीज करता है, और प्रेगनेंसी को फिर हम 3 फेजेस के अंदर या 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है। सो फिर उसको जो ना टोटल 9 मंथ्स का पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर उसको फिर अलग अलग उसको हम रखते हैं। सो अब अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा कि प्रेगनेंसी के जो है वो इवेंट्स क्या क्या हैं, क्या किस तरह से होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम अब डिस्कस करना चाहते हैं, तो देखें सबसे पहले 14 डे पे जब ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द 0 डे फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर्स नॉर्मली फर्टिलाइजेशन अकर्स।
जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस सर, आ रही है। मैं यस सर। तो बोलता रहा हूं और मुझे पता नहीं चला कि ये खत्म हो गई है सर, कॉल मेरी कट गई है। मैं कहाँ पे था? सर अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी, हमें लगा आप चले गए हैं। ओहो, वो तो बस मैं तो सॉरी। सर अब रहने देना, इतना ज्यादा तो पार्टी है। हम तो लीव अच्छा करने वाले बस चलो फिर ठीक है, फिर यहाँ से फिर हम हैं। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। चलो थैंक यू बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज। रह गए।